नहीं सर। क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चलता, इस टाइम नहीं कुछ पता चलता। शादी के बाद 2 बारी छुट्टी आई मेरे पास, वो तीसरी बार छुट्टी आने वाली थी, छुट्टी भी पास होगी पर वो आई नहीं। वो कहना ही थोड़ा मुंडा बच्चा शहीदी पा गया उस टाइम एस एम साहब ने। हाँ जी, वो टाइम बड़ा औखा सीगा, वो साढ़े कन्नां दे विच आवाज पई। ग्यारहवें महीने की 2 तारीख को छुट्टी आने वाले थे। हमारे फादर की जो डेथ हुई थी 4 मई 2021 को, तो उनका वरीना कराना था इसलिए आने वाले थे। लास्ट मई में आए थे। बेटे दोनों फौज में थे, पति फौज में था, अब पोते जवान होंगे तो पूर्मक में भर्ती करवा दो, उनकी ज़िंदगी चलो बन जाएगी, पैरों पर खड़े हो जाएंगे। आपको पता है एकदम जब ऐसा कोई भी हादसा होता है तो घर परिवार को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर भी मैंने बहुत हौसला करके एक दिन इस बात को छुपा के रखा जब तक उनकी डेड बॉडी हमारे गांव में नहीं आई। जसविंदर सिंह बहुत बढ़िया जवान थे जो बहुत मेहनती और बहादुर थे। साड़ी 2016 च अंगेजमेंट हुई सी, फस्ट टाइम आपां मिले सी, फिर साड़ी 2017 च मैरिज हुई। उस तो बाद बहुत वधिया सफर सी, पर हुण तां वाहिगुरू ने बहुत ही माड़ा कीता है। सर मनदीप के जाने का दुख तो बहुत है, वो कमी तो पूरी नहीं हो सकती, तो अच्छा बहुत अच्छा था वो, लड़ाई भी करता था झगड़ता भी था, फिर भी उसके मन में ना कुछ नहीं था। ऐसे अभी लड़ाई हुई है ना तो थोड़ी देर बाद जहाँ कॉल कर लेनी जहाँ हमसे खुद ही बात कर लेनी आके, बिल्कुल ऐसा नहीं। सबसे जो हम सभी जी है ना सबसे ज़्यादा अच्छा था वो सबसे। मेरा एक बड़ा बेटा 4 साल का है, छोटा 1.5 महीने का होया है। जिस दिनों ड्यूटी गए सी हुणे डिलीवरी तो बाद मेरा बेटा 21 दिन का सी, तो वह तो यह भी कह के गए सी कि 3 महीने बाद लोहड़ी तक मैं आ जाना सी, बेटे का फंक्शन करांगे। बहुत कुछ सोचते सी आने बारे पर सब कुछ उत्थे खत्म हो गया। उन्होंने देश की जान कुर्बान की है, सानू फकर महसूस होंदा है, पर जो साढ़े दिल में सट बजी हो जो सानू घाटा पे कदे पूरा नहीं हो सकता। फौज में शुरू से ही जाने का जैसे एक शौक है, मेरा भी शौक था और इसका भी शौक था, तो इसको मैंने अपने खुद भर्ती करवाया। इसकी मतलब जब ये भर्ती हुआ है तो मेरा जो बड़ा लड़का है वो उसका डेट ऑफ बर्थ वही है जिस दिन इसकी इनरोलमेंट डेट है, तो इसको पगड़ी भी मैंने पहननी सिखाई थी जो आर्मी में पगड़ी हमारे सिख रेजिमेंट में पहनी जाती है। सहारा यो दे रहे हैं भी मनदीप सिंह ने तो नहीं होना वा, तो उसनू हौसला ही है हुण, तो उस तो बाद फिर उन्हें कर भी की सकने हैं। मनदीप ने तो वह तो ऊन साड़ी पूरी नहीं होनी, हौसला ही दलेरी दें। लाइफ में बहुत ज़्यादा सपने होते हैं ना हर एक लेडी के होते हैं, मेरा वो 8 महीनों में सब कुछ हो गया। जो एक लड़की का हर सपना होता है कि उसका लाइफ पार्टनर अच्छा हो, उसके साथ अच्छी ज़िंदगी स्पेंड करे, बहुत अच्छे थे
डेली मुझे पूछते थे, चाहे एंगेजमेंट होने मैरिज से बाद भी, आपने पढ़ा क्या, आप पढ़े हो, आपको माँ बाप ने खर्चा किया आपको पढ़ाने के लिए, आप जॉब लगो, घर मत बैठो, आप नॉलेज कैरी करो, स्टडी कंटिन्यू करो अपनी। एमपी साहब आए थे, कहते तुम की चाहते हो कि स्कूल बना दिए कोई या उत्थे स्टेडियम बना दिए। असं क्या भी इस तरह नहीं, साढ़े वास्ते तुम एक स्कूल है विद्याला केंद्रीय विद्याला, वो साढ़े लिए जे तुम साढ़े इलाके लिए दे सको तो गज्जण सिंह की शहीदी नमन भी हो जाएगा, क्योंकि वह एक साढ़े इलाके के जेडे जिन्हें भी गरीब वर्ग वो पढ़ के चंगा स्कूल है, चंगा मीडियम वह होएगा तो उस स्कूल दे विच वो फिर बच्चे पढ़ के इस शहीद नमन करके जाएंगे फिर इतों। इस करके फिर असी वो मंग रखी सी, जॉब करनी है जहाँ मुझे कभी मिलेगी मैं करूँगी जरूर, उनको सपना था एक मैं जॉब करूँगी। असी ना ये साढ़ा इलाका छोटा किसान है, इत्थे जमीन साढ़े कोल घट ने ते साढ़े कोल साधन बहुते नहीं है, असी अपने बच्चों नूं बाहर भेज सकीए जां अपने बच्चों नूं कोई खर्चा करके कोई होर चंगीआं नौकरियां चंगीआं पढ़ाईआं दवा सकीए, नहीं है साढ़े कोल। ते साढ़े कोल एक ही रस्ता रह जांदा है फौज। उसका मानना तो यही था भी मैं देश की सेवा करूँगा, जो उन्हें पूछना इलाका बड़ा खतरनाक है बच्चा ध्यान ना रहना, उन्होंने कहना पापा जी इको गल है दो सकेंट का फैसला साढ़ा, जे तो उन्हें सानू देख लिया तो ऐसी नहीं है, जे ऐसी देख ले तो वो नहीं है, बाकी कहना लंबा चौड़ा काम नहीं है, उत्त हैगा खतरे वाली जगह। उ गल हो जी दो मिनट के बिच खेल खत्म हो गया साढ़े हथों। साढ़े बच्चे देश की खातर शहीदियां पा रहे हैं ते इत्थे गौरमेंटां जिहड़ियां हैगियां सेंटर गौरमेंट ला लो, ये शोषण कर रही है साढ़े बच्चों का, साढ़े बच्चों का मुल पा रही है। जे उन्होंने शहीद परिवारों नूं सैट ही करना है, उन्हां दी स्कीम होवे ते असीं तां शहीद परिवार सैट करने हैं तो घट्टो घट 10 करोड़ रुपये की इन्हां नूं ग्रांट देण शहीद परिवार नूं मां बाप नूं। आदा एक छोटा जिहा काम करके साडा बच्चा एड्डा वड्डा काम कर गया, देश की राखी वास्ते अपने खून डोल के चला गया तो वो साढ़े लिए की कर रहे हैं। As far as this case is concerned, where we have the martyrs, so we have number of schemes for them. The first thing which we as Punjab government give is that we give them ex gratia amount of rupees 40 lakhs to the family. And over and above that, depending on the education, of we give a job to one member of the family. It could be the wife, it could be the unmarried brother or sister, but one member. That time the ladies are not well educated, so they cannot get a high class job like group B or C. So the new policy has been instituted by the government where they have stipulated that 4 years time will be given to the lady to improve her education. She can join and then she can keep studying. Secondly, a new scheme has again been instituted where it has been said that in case the lady wishes that she does not want to take a job but she wants to reserve it for her child, and she can reserve it up to 25 years of age. Over and above, for the family, we have as part of 13% reservation, which is available for all excess men. So the family of a martyr gets a priority in that also. See, we call ourselves the sword arm of the nation. We being in the northern part of this thing, and we have large number of our soldiers in the armed forces, that is Army, Navy and Air Force. Just to give you an example, since 2017, we have lost 81 jawans who are only battle casualties. That means we have 81 jawans who are martyred, who have given their lives for our country.